कैसा लग रहा है? ओ एक जने की ड्रेस है? कितने जनों की ड्रेस है भाई? ओ मम्मी आ चुकी है, पापा। सिंगार ने फैमिली लोग, तो कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। और ये कर रही है आज शादी की तैयारी, क्योंकि आज है मेरी जो बुआ जी हैं उनकी लड़की की शादी है। आपने देखा होगा उनकी बहुत पहले इंगेजमेंट थी, उसका भी व्लॉग डला हुआ है। तो आज है उनकी शादी, तो आज सब हम पूरी फैमिली उनकी शादी में जाएंगे। तो अभी सुनाने देख दिया अपना मेकअप का क्या करना है क्या नहीं, और मैं भी फेस वॉश स्क्रब करवा के आ गया हूँ, और अब मैं नहाऊंगा। और मम्मी अभी कपड़े धो लिए। क्या पहनोगे मम्मी आज आप? साड़ी। साड़ी पहनोगे? ओहो चलो सही है। अभी मम्मी कपड़े धो रही हैं, फिर उसके बाद अपना देखेंगे क्या करना है। पहले अपना सारा काम निपटा रहे हैं, मैं भी अभी पहले शॉप पे हो जाऊंगा, फिर मैं भी तैयारी करूंगा भाई, मुझे भी तो जाना है। तो गाइस अभी सोनाली कर रही है अपनी ज्वेलरी सेट, और ये देखो उसके भाई कलेक्शन कितनी सारी कर रखी है इसने। और अभी ये वाली दो अलमारी और है, उसमें भी कपतन क्या क्या रख रखा है। और ये क्या है भाई? नकली बाल मैं लगा लूँ इस पे, देखो मैं कैसे लगूँगा, देखो कैसे लग रहा है ऐसा सरदार जी। ले भाई कर दो अपनी तैयारी। ये पहनोगे आप? अच्छा अच्छा, तो कौन सी पहन रहे फिर आप? अच्छा ये वाली अच्छा लग रहा है वैसे, ये वाला? हाँ ये मैच कर रही हूँ मैं। अच्छा ये वाला है क्या आपका ब्लाउज? ज्वेलरी रहती है भाई तुम्हारे पास लड़कियों के पास? और हमारे लड़कों के पास भाई ऐसा कुछ नहीं रहता, अपना सिंपल सोवर जाएंगे अपना। और रखी है इसमें भी रखी है, और भी दराजे हैं। ये वाले ज्यादा अच्छे लग रहा है। कौन सा अच्छा लगेगा? मैं तो कंफ्यूज हो गया भाई, दोनों ही अच्छे लग रहे हैं। ये वाले गोल्डन वाला पहन लो आप। गोल्डन चलेगा? हाँ गोल्डन वाला पहन लो। पापा से पूछ लेना, पापा आएंगे जो पापा कहेंगे वो पहन लेना। पापा तो कहेंगे सब पहन ले। तो गाइस पहले मैं नहा लेता हूँ, और आज है शादी रात की, और मौसम भी बहुत अच्छा हो रहा, मतलब कोई वो नहीं है, और शादी बहुत अच्छी होने वाली है। तो आप सब ऐसे ही जुड़े रहे हमारे साथ, और पूरे जो शादी का व्लॉग है पूरी फैमिली दिखाऊंगा मैं आपको, जो जो आएंगे सबको, सबसे मिलूंगा आपको। तो आप ऐसे ही प्लीज़ बने रहे और वीडियो को देखते रहे आगे तक। तो अभी मैं नहा के मिलता हूँ आप सबसे। तो गाइस मैं नहा के हो गया हूँ रेडी, और अभी करते हैं सबसे पहले ब्रेकफास्ट, क्योंकि बज गए हैं 11:30, और अब तक मैंने ब्रेकफास्ट नहीं किया, तो बहुत तेज भूख भी लग रही है। तो पहले कर लेते हैं ब्रेकफास्ट। लिया ही सुनाली फिर तो ड्रेस अपनी जो लेके आनी है तुझे? लिया ही? ओ एक जने की ड्रेस है? कितने जनों की ड्रेस है भाई? ऐसा क्या है इसमें? तो वहाँ कहाँ पे लेके जाना है? अच्छा पार्लर में रेडी हो जाएगी तू? ओहो शादी है तेरी तो भाई, इसका देखो कितना बड़ा लहंगा है, इतना तो खली का भी नहीं होगा। गाइस आप ऐसे ही जुड़े रहो, फिर सोनाली को देखना कि शाम को ये कैसे लगती है रेडी होके। तो गाइस आज मैं कर रही हूँ व्लॉग शूट, और देखो मैं खा रहा हूँ खाना, तो मैंने इसको दे दिया कि भाई थोड़ा तू शूट कर, ये करती नहीं बिल्कुल भी। तो अब ये कर लिए और मैं खा लेता हूँ इतना खाना। क्या खा रहा है प्रियांशु? गाइस ये है दाल, और ये वाली मेरी फेवरेट दाल है। क्या बनेगा प्रियांशु? अभी भाई मैंने कोई डिसाइड नहीं किया, तो अभी मैं देखता हूँ कि मैं क्या पहनूँ। मेरे पास एक डिसाइड नहीं किया अभी तक, डिसाइड ही नहीं हुआ अब तक, मेरा डिसाइड नहीं हुआ। गाइस मम्मी भी नहा लिए है, और अभी मम्मी घर जाओगे आप? वही मम्मी पार्लर जाएगी। वाह आप साड़ी पहनोगे तो आप तो घर ही रेडी हो सकते हो। आपको साड़ी ना सेट नहीं होती सही से। अच्छा तो मम्मी साड़ी सेट नहीं होती, तो उसकी मम्मी जाएगी पार्लर। तो किस टाइम जाओगे आप मम्मी पार्लर? 5 बजे। तो मम्मी जाएगी 5 या 6 बजे पार्लर जाएंगी, तो फिर मम्मी और सोनाली दोनों साथ ही चली जाएंगी, और दोनों जाके वहाँ अच्छे से रेडी हो जाएंगी। फिर किस टाइम? 8 बज जाएंगे आपको, है ना? तो 8 बजे तक आ जाएंगी। मैं आपको दिखाऊंगा इन दोनों का लुक जो निकल के आएगा। और अभी देखो कितना खुश हो रही है मम्मी कि भाई मैं पार्लर जाऊंगी अच्छे से रेडी होंगी। तो देखते हैं गाइस, अभी तो ये अभी तो 3:30 बज रहे हैं, अभी तो काफ़ी टाइम है ना जाने का। तो अभी हमने सबने खाना वाना खा लिया है, देखते हैं कब जाएंगे, वो भी आप सबको दिखाता हूँ मैं। बाकी मुझे ना यार समझ नहीं आ रहा मैं क्या पहनूँ। एक ना मेरे पास जैकेट रखी है, और एक मेरे पास है, एक मेरे पास वो है ब्लेजर। तो मैं मुझे भाई मैं कन्फ्यूज़ हो रहा हूँ कि मैं उन दोनों में से क्या पहनूँ। तो मम्मी मैं जैकेट पहनूँ या ब्लेजर पहनूँ? एक ब्लैक वाली जैकेट है मेरे पास, वो भी बहुत अच्छी लग रही है। सोनाली कह रही है तो जैकेट पहन ले, जैकेट अच्छी रहेगी। मैं भी सोच रहा हूँ कि भाई मैं जैकेट पहन लूँ। बाकी अपना तो एक फंडा है लड़कों का, उसे पहन लो अच्छे लगते हैं भाई। कुछ ज्यादा नहीं हो गया मतलब
कुछ भी ठंड लग रही है सही। अभी तो घर में ही हो, अभी ऐसे ठंड लग रही है आपको भाई? मेरे से कपड़े पहने जाते हैं और रात में तो आप साड़ी पहनोगे फिर तो उसमें और ठंड लगेगी। और बाहर वो तो खुला भी है जहाँ पे रिजोर्ट है वो, है ना? कोई नहीं, एक काम करना, ये चाय पैक करके चलना और चाय पीते रहना साथ साथ, है ना भाई? आराम मिलेगा बढ़िया यार। एक तो एक गाड़ी वाले ना घर के बाहर ही वाले मारे जाते हैं पूरे दिन। सो गाइस अभी सोनाली सो के उठ गई है और इसको भी ठंड लग रही है। ठंड लग रही है सोनाली और दोनों साड़ी पहनने वाली है। ये मम्मी साड़ी पहनेगी और ये लहंगा पहनेगी जो इसका पीछे रखा है। और फिर कैसे रहोगे तुम शादी में, कैसे रहोगे भाई? वैसे मैंने एक चीज देखी, लड़कियां हाँ तब तो मैं सब आएंगी ना, तो फिर एक दूसरे को देखो ना थोड़ा लगता है कि भाई इसने भी तो पहना है। चलो देखते हैं आज दोनों में से कौन अच्छी लगेगी। तो सोनाली अच्छी लगेगी या मम्मी अच्छी लगेगी? सो भाई 6 बज चुके हैं और ये मैडम निकल ली है पार्लर के लिए। थोड़ी भाई इसने इतनी बड़ी ड्रेस ली है, इस पे ढक जाएगी तो इसमें पैक होके चली जाना, क्या जरूरत है वैसे जाने की? आप नहीं जा रहे मम्मी? अच्छा आपका अलग पार्लर है इसका अलग? ओहो क्या बात भाई, अलग अलग पार्लर में तैयार हो रही है। देखो हाँ ढंग भाई तू जा रहा इसके साथ, ढंग का बनवा के लाइए इसको, समझ गया? क्या चीज इसको जरूरत है भाई? वाह हाँ भाई पार्लर की जरूरत है हर बंदी को। देख मुझे तो नहीं है भाई, नॉर्मल जाएंगे। चल फटाफट ढंगी बन गया ठीक है भाई, तू भी नहा ले भाई। कितने दिन हो गए तुझे नहाए हुए? अपने गोरे रंग का फायदा उठाता है भाई, लड़का नहाता नहीं है तो नहाए नहीं। वाह आप किसी साथ जा रहे हो मम्मी? अच्छा बाहर ही आइए, चले जाओगे आराम से। मम्मी का कैरी बैग और सोनाली का कैरी बैग और गाइस भैया भी रेडी हो गए हैं, बड़े लग रहा है खतरनाक एक नंबर। हो गए तुम जल्दी रेडी? चलो चल रही है, अभी तो मम्मी जाएंगी और अभी तो 6:30 बजे हैं तो हम चल रहे ना, फिर आ जाएंगे दोबारा। अभी तो मैं नहाऊंगा फिर रेडी होके जाऊंगा। अभी तो मम्मी और जा रहे हैं, अभी जा रहे हैं, चलने छोड़ दूंगा। मम्मी तो अभी पार्लर जा रही तो वैसे अभी का क्या सीन है, अभी मम्मी भी पार्लर चली गई है और सोनाली भी पार्लर गई हुई है और पापा भी वहीं पर गए हैं जो रिजोर्ट है। और अभी मैं घर पे अकेला हूँ, तो देखते हैं पहले फटाफट की पहनना क्या है। और ये काम ना यार बहुत वो है, बंदा पागल हो जाता है भाई। लड़कियों का तो यह है कि लड़कियों को तो एकदम डिसाइड हो जाता है, पर लड़के सोचता है कि पहनूँ क्या। तो अभी देखते हैं भाई, खोलते हैं ये अलमारियाँ और देखते हैं पहनना क्या है। तो लेट्स सी गाइस, आप ऐसे ही जुड़े रहें। Few moments later. So guys, finally मैं हो गया हूँ रेडी। जैसे कि आपको दिख रहा है मैंने पहनी है जैकेट और नीचे है स्वेट और नीचे है ट्राउजर और फिर नीचे है बूट। और ये पीछे भाई भी रेडी हो गया है, वंश ये भी हमारे साथ जाएगा। और अभी पापा लेने गए हैं मम्मी को, मम्मी भी रेडी हो चुकी है पार्लर से। तो अभी पापा गए हैं मम्मी को लेने और शायद आप भी गए हैं पापा। तो मैं मम्मी को भी दिखा देता हूँ आपको मम्मी कैसी लग रही है। ओहो मम्मी आ चुकी है, पापा भी आ गए, दोनों अच्छे लग रहे हैं बिल्कुल मस्त। मम्मी की साड़ी भी अच्छी लग रही है और पापा का कोट भाई खतरनाक लुक आ रहा है। सब रेडी हो चुके हैं घर में, सोनाली भी रेडी हो चुकी है, उसको भी लेके आना है, उसको लेके आऊंगा। मम्मी आप दिखा रहे हैं बिल्कुल अपना लुक पूरा, ये आज मम्मी का लुक खतरनाक एक नंबर मस्त, बड़े लग रहे खतरनाक। सो गाइस अभी हम पहले सोनाली को लेके आ जाता हूँ क्योंकि उसको बार बार कॉल आया जा रहा है कि भाई आजा आजा मैं रेडी हो चुकी हूँ। तो उसको पहले सबसे पहले उसको लेके आते हैं, फिर सारे पूरी फैमिली अपनी फोटो क्लिक कराएंगे। तो चलते हैं सबसे पहले उसको लेने। सो गाइस सोनाली भी रेडी हो चुकी है, पार्लर से सीधा घर जा रहे हैं, तो चलते हैं भाई फटाफट। सो गाइस अब आ गए हैं घर और ये रही मैडम ब्लैक ब्लैक। ओह आ गए हैं भाई, पूरी फैमिली रेडी हो चुकी है। अब इन्हें पूरा ब्लैक आउटफिट पहना है और मैंने पूरा ब्लैक पहना हुआ है और मम्मी की नजर नहीं हट रही। ओए भाई पिंक पिंक लड़की पिंक। सो गाइस पूरी फैमिली रेडी हो चुकी है, ये आप सब देख सकते हैं कि ये सोनाली है, पहचानने में दिख रहा है भाई सोनाली है ये। वंश पीछे मम्मी और पीछे फिर पापा है। हाँ पर सोनाली भाई अच्छी लग रही है आज खतरनाक, इसका और मेरा आउटफिट दोनों सेम मैच हो रहे हैं। मैंने कहा था और ये भी दीदी को। और भाई तो गाइस आप सब प्लीज कमेंट करके जरूर बताना कि हमारी पूरी फैमिली कैसी लग रही है, एक एक करके सबका बताना, कमेंट बॉक्स भर देना। मम्मी सोनाली और पीछे पापा है भाई, वैसे सारे हाँ
और हाँ कि भाई प्लीज आप लाइक शेयर कमेंट जरूर कर दिया करना, आशीर्वाद दो अच्छे से। तो गाइज अब जा रहे हैं सब वहीं पे जहाँ पे फंक्शन है, क्या चीज। चलो भाई चले, वंश भाई भी रेडी हो चुके हैं, इसने अब ये पहनना है, खतरनाक लग रहा है। चलो सो गाइस अब चलते हैं सीधा वहीं पर, और ये भाई भी वंश भी आ गया, दोनों वंश आ गए हैं, अब चलते हैं भाई फटाफट वहाँ पे, सब वेट कर रहे हैं हमारा। चल भाई वंश बैठ। और ये दीदी हमारी अच्छे लग रहे तुम आज बहुत, रोज जानते हैं सब। अभी से खाना खा रहे हो आप, भूख लग रही है दोनों को? कुछ नहीं खाया वहाँ भाई, खा ले तू भी खाना, आओ खाना। ये तो भाई डाइट वाला बंदा क्या कह रहा अब बोल, लड़के आए ये जो है जो है जो। और ये आ गया हमारी दीदी, नमस्ते। ये इतने सारे बच्चे हो गए क्या तुम्हारे? एक दो तीन चार पाँच। सो गाइस ये रही है बारात जो जाएगी अब, और ये यहाँ से 5 मिनट की दूरी पे, 5-10 मिनट की दूरी पे तो ये आ रही है बारात। तो गाइस ये है भूमि की बहन जिसकी शादी है, उसकी छोटी बहन है, क्या नाम है? नियति। ड्रेस बढ़िया है, नंबर। डांस तो करा नहीं कुछ? कर लिया, अब यहाँ कर दे थोड़ा सा। बस 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 बस। ओ भाई ये भी मेरे जैसा, ये भी मेरे जैसा। वहाँ चाइनीज है, चाइनीज है। क्या हुआ? फोटो वीडियो बन रही, व्लॉग में देखना बस, सीधा यूट्यूब पे सिंगाने फैमिली लोग। डांस तो बढ़िया करा भाई। ये जा रही है भाई दुल्हन, कहाँ जा रहे भाई है? अच्छी लग रही है वैसे, है ना? अच्छी लग रही है, बढ़िया। तो गाइस आप आ गए बारात, तो सारी लड़कियां लूटने के लिए आ गई है दूल्हे को।
एक बज गया, चलो फिर। सब ले जाने की तैयारी हो रही है, ये कर लिया चादर। हम दोनों आ गए हैं घर। तो भाई कैसी रही शादी ये बताओ मुझे। बढ़िया भाई, शादी एक नंबर है, पूरा एंजॉय करा, पूरे मजा आ गया। शादी भाई एक नंबर थी और अब यार बहुत ज्यादा थक गए, तुम्हें बताया रात के 2:30 बज चुके हैं और ये भी थक गया और मैं भी थक गया, इसकी तो हालत देखो कैसी होगी। तो गाइस इसी के साथ लोग को करते हैं एंड, आई होप आपको लोगों में कुछ भी अच्छा लगा तो प्लीज लाइक शेयर कमेंट जरूर करना और उनको सब्सक्राइब करना और हमारी वीडियो ऐसे शेयर करते रहना। मिलते हैं आपको जल्दी एक नए ब्लॉग के साथ। बाय बाय, लव यू।